यू ऑल ऑल राइट जी, आज सुबह सुबह मैं ये चाह रहा था, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आए थे और वो ये कह रहे थे कि पेट सुबह सुबह साफ़ नहीं होता और बहुत ज़्यादा कब्ज़ की प्रॉब्लम रहती है और अफारा रहता है या ब्लॉटिंग रहती है या ब्रबिंग होती है, फॉर्टिंग होती है, तो ये पूरा जो डाइजेशनल सिस्टम है ये पूरा डिस्टर्ब हुआ हुआ है। सो ऑब्वियसली इसके लिए मैंने एक वीडियो तो यूट्यूब चैनल योगा विद THP पे रख दी हुई है आप लोगों के लिए, आप लोग वहाँ से भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी मैं आपको दो एक ऐसे पॉस्चर्स बताता हूँ जिसको आप परफॉर्म करेंगे सो इंशाल्लाह ताला आप 10-15 दिन में आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको डाइट अपनी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना होगा, फाइबर को यूज़ करना होगा, ज़्यादा वाटर इनटेक करना होगा और साथ साथ इनको भी आप यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको अफाका महसूस होगा। सो करना क्या है, आपने मॉर्निंग में जब भी आप सो के उठे तो वॉशरूम जाने से पहले यानी अपना पेट साफ करने से पहले आप लोगों ने दो नीम गर्म पानी के ग्लास जो है वो पीने हैं, रूम टेम्परेचर पे हो सकते हैं, थोड़ा सा उनको नीम गर्म कर लीजिए और उसको जब आपने वो पानी पीना है उसके बाद इस पोजीशन में बैठना है और उस पोजीशन में बैठते हुए आपने कोशिश करनी है कि पानी को पीना है आपने। अगर आप ऐसे नहीं बैठ सकते तो आप इसके नीचे कुछ रख सकते हैं या फिर अपने पाँव को इस तरीके से थोड़ा सा खोल सकते हैं, ठीक है। सो आपको ज़रा आसानी महसूस होना शुरू हो जाएगी इस तरीके से। सो आपने एक एक घूंट करके पानी को पीना है। फॉर एग्जांपल आपने पानी पिया कुछ देर के लिए, उसको अच्छी तरीके से मुंह में ताकि जो अल्कलाइंस है वो भी इसमें आपके यूज़ हो सके और फिर आपने उसको घूंट घूंट करके इस्तेमाल करना है और इस पोजीशन में बैठना है, ठीक है। आप देखिए इस पोजीशन में इस तरीके से अगर आप इसके नीचे कुछ चीज़ रख लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप ये ईंट रख लेते हैं कोई तो या कोई भी ऐसी चीज़, तो आप ऐसे भी बैठ सकते हैं इस पोजीशन में बैठ के उसको ऐसे राइट वाले हाथ से घूंट घूंट करके आपने पीना है, एक ग्लास को आपने पीना है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे ग्लास को भी और कुछ देर के लिए यहाँ पे बैठना है, एक मिनट के लिए, दो मिनट के लिए, ताकि आपको अच्छे तरीके से ये वार्म हो। दूसरा आपने क्या करना है कि इस तरीके से लेटना है और लेट के आपने इस पोजिशन में आ जाना है और इस पोजिशन में आके आपने लेफ्ट वाली टांग को इसी तरीके से रखना है और राइट वाली टांग को इस तरीके से बेंड करना है। अगर आपके दोनों हाथों से इस तरीके से इसको पकड़ सकते हैं तो इसको ऐसे आपने 5 से 10 सेकेंड या 20 सेकंड के लिए होल्ड करना है, ठीक है। फिर इसको ऐसे रिलैक्स कर देना है सांस को छोड़ते हुए, फिर इस टांग को इनहेल करते हुए यहाँ पे इस तरीके से लेके आना है, बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना, यहाँ पे इसको रखना है ताकि आपके जो इंटरनल ऑर्गन है स्पेशली आपका स्मॉल कॉलन, लार्ज कॉलन, जहाँ पे आके पूरा हमारा वेस्ट जो है वो फिर एक्सक्रीट होता है, सो वहाँ पे आपने इसको थोड़ा सा प्रेशर, फिर उसके बाद आपने दो दो तीन तीन दफ़ा इस तरह से करने के बाद दोनों हाथों को यहाँ पे रखते हुए दोनों हाथों की मदद से इन दोनों को एक साथ मिलाना है ऐसे और इस तरीके से इनको कुछ देर के लिए होल्ड करना है, ठीक है। अगर आप और ज़्यादा डीप स्ट्रेच में जाना चाहते हैं तो इस तरीके से होल्ड कर ले इसको, सांस को लेते रहना नाक के ज़रिए 10 सेकेंड्स 20 सेकेंड 30 सेकेंड्स अगर आप कर सकते हैं सो फिर इसको आपने रिलैक्स कर देना है। सो ये दो वो ऐसे पॉस्चर्स हैं जिनको आप परफॉर्म कर सकते हैं और परफॉर्म करके आपके जो डाइजेशनल प्रॉब्लम है, आपकी जो ब्लॉटिंग है, आपके जो इरेशनल बाउल सिंड्रोम के प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी हद तक कवर हो सकते हैं, कंट्रोल हो सकते हैं। और बाकी आप अपने लाजमी फूड को ज़रूर देखिएगा, कौन सा फूड इनटेक आप ज़्यादा कर रहे हैं जिसकी वजह से ये ज़्यादा ब्लॉटिंग आप हो रही है या ज़्यादा कंजेशन हो जाती है या फिर स्टूल पास नहीं हो पाता। सो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस तरह की वीडियोस और ज़्यादा बहुत ज़्यादा देखने के लिए यूट्यूब चैनल योगा विद THP को सब्सक्राइब या फॉलो कीजिएगा और दूसरे लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि आप एक छोटे से क्लिक से बाकी लोगों का भी इससे फ़ायदा हो सकता है और इस म्यूज़िक को भी इन्जॉय करें जो इस शानदार परिंदा ही बोल रहा है। थैंक यू वेरी मच।